3 दिन पहले रामगढ़ में चुनावी रैली के दौरान कि पैसा जमीन में गाड़ दीजिए क्योंकि बैंकों का भरोसा नहीं है, बैंक का घोटाला हो रहा है, बैंक बंद हो रहे हैं, एक सीएम का इस तरह से बयान देना किस तरह से देखते हैं बीजेपी पार्टी में होने का? देखिए, अपने राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने कभी भी किसी सीएम को इतना गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बयान देते नहीं सुना। वो पैसे को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारी केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि जो पैसा पैरेलल सिस्टम में था वो मुख्य सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। यानी वो ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों से टैक्स छिपाने को कह रहे हैं, इलीगल मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये घोर निंदनीय बयान है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को या तो उनको बयान को वापस लेना चाहिए या इनके विरुद्ध इस तरीके के ब्लैक मनी को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए। दूसरा मामला भी रामगढ़ से जुड़ा हुआ है, विधायक के प्रतिनिधि को गोली मारी गई है, कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि को मौत हो गई है, राजनीति भी शुरू है इसमें। देखिए, ये पूरा रामगढ़ का इलाका जो है, पूरा रामगढ़ जिला हाई अलर्ट पे है और उस हाई अलर्ट के बावजूद जब कहते हैं पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्ती की गई है, खुफिया विभाग सक्रिय है, उसके बाद जब एक विधायक प्रतिनिधि की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद विधायक खुद कह रही है कि ये सरकार में लूट खसोट लगातार चल रहा है, 60-40 के रेशियो पे वसूली हो रही है, वो तो कैमरा पे एडमिट कर रही हैं कि डीएसपी सिफारिश करके अपनी पोस्टिंग कराते हैं और वो लोग सारा जो है, उनके पिता जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो सिफारिश के लिए जेल में फोन किया करते थे डीएसपी। यानी साफ तौर पर जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं। हेमंत सरकार के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और कहीं भी कानून का राज नहीं दिखता।